अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई रिव्यू अबाउट द लिक्विड फाउंडेशन बाय रिवाज यूके। पास जो है ना वो दो रेंजेस हैं इनकी वेबसाइट पे, वन इज़ रिवाज यूके एंड द सेकेंड वन इज़ रिवाज HD। यस, रिवाज HD शायद हाई डेफिनेशन भी उसको कहते हैं। जो रिवाज HD है वो रिवाज UK के कंपैरिजन में ना थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उनकी फाउंडेशंस जो हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं और बाकी सब चीज़ें। लेकिन दिस फोटो फोकस फाउंडेशन इज़ फ्रॉम रिवाज UK। कुछ फाउंडेशंस ऐसी होती हैं जो कैमरे में बहुत परफेक्ट दिखती हैं, मुझे लगता है कि ये उसके लिए बहुत बेस्ट है, उसके लिए बनाई गई है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको अपने फेस पर लगाते हैं तो ये आपको मीडियम से हाई कवरेज, फुल कवरेज दे देती है। बहुत कमाल की फाउंडेशन है, ठीक है, मैट है, मीडियम कवरेज इसके ऊपर लिखा है, लेकिन अगर आप इसको बिल्ड अप करेंगे तो ये ऑब्वियसली आपको जो है फुल कवरेज भी दे देगी। सेकेंडली ये लाइट वेट है, वैसे लॉन्ग वियरिंग लिखा हुआ है लेकिन इतनी लॉन्ग वियरिंग है नहीं। इसके साथ आप लोग अगर इसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आप बनाना चाहते हैं तो आप लोग मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल लाजमी करें। मैं जो है ना मोस्टली जो है ना रिवाज UK का ही मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। आपको जो है ना 500 से बिलो आपको ये इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑयल फ्री 24 आवर्स, इसका जो है ना वो स्टे है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर 24 आवर्स स्टे तो पाकिस्तान में नहीं होता कहीं भी। कुछ फाउंडेशंस होंगी लाइक जैसे हुदा ब्यूटी होगी, मैक होगी, ये जो है ना वो थोड़ी स्टे करती हैं, लेकिन रिवाज UK ये वाली फाउंडेशन जो है ना ये 2 to 3 आवर्स तक स्टे कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, आपको इसको टचअप करना पड़ेगा। खैर बहुत अच्छी फाउंडेशन है, इसकी जो पैकेजिंग है ना वो इसी तरह की है। एक इसमें पंप आता है, ठीक है, ये ऊपर इसके पंप है और साथ जो है ना ये ग्लास की बॉटल है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था ना तो ये मुझे ऐसे ही रिसीव हुई थी, लाइक इसके ऊपर जो है ना कोई बॉक्स नहीं था, कोई इसकी आउटर पैकेजिंग नहीं थी, इसी तरह मुझे सेम इसकी पैकेजिंग रिसीव हुई थी। बाकी देख लेते हैं, इसकी बैक साइड पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन मैंशन है। येस, इसके अंदर भी टोटल 4 शेड्स हैं। रिवाज UK की जितनी चीज़ें ना आई थिंक सो उसमें हर चीज़ में 4 शेड्स हैं, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो ये जो शेड है ना ये 03 है, बाकी 4 शेड्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है और एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है December 2024। बाकी इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, आप जहाँ से चाहें ना इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो थी ना वो आई थिंक सो 500 या 800 के दरमियान थी, 600 या 800 के दरमियान थी, मुझे लगता है ये 680 की मैंने ख़रीदी थी। अब शायद इसकी प्राइस जो है ना वो स्लाइटली इंक्रीज़ कर गई हो। और जो फाउंडेशन है ना वो बहुत अर्सा चलती है, लाइक एक साल तो मैक्सिमम जो है ना मिनिमम फाउंडेशन आपका चलता है। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा देर चल जाता है, ठीक है, मुझे लगता है जब एक्सपायर होगा मैं इसको तभी फेंकूँगी, वरना ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बिकॉज मैं फाउंडेशन जो है ना वो इतना यूज़ ही नहीं करती डेली बेसिस पे। तो मैं इसको अब चेक कर लेते हैं कि इसकी कवरेज कैसी है और बाकी सब कुछ कैसा है। तो इसका एक पंप मैं लूँगी, ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वैसे निकल है लेकिन चलें खैर है। थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने लिया और इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये भी डिपेंड करता है कि आपने अपनी फाउंडेशन जो है ना वो ब्लेंड किससे करनी है। अगर आप अपने फाउंडेशन को जो है ना वो फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है और कवरेज जो है ना वो आपको मीडियम टू फुल कवरेज दे देती है। लेकिन अगर आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मीडियम कवरेज होती है। सो ये चीज़ भी डिपेंड करती है, आप इसकी कवरेज चेक कर सकते हैं, बहुत कमाल की है। और थोड़ा सा ही जो है अगर आप लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसका है, लाइक थोड़ा सा लेंगे तो आपको फुल फेस जो है ना वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पर जो है ना वीडियो में इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है, लेकिन असल में ब्राइट नहीं है, ये थोड़ा सा स्किन की तरफ ज़्यादा है क्योंकि मेरी स्किन टोन जो है ना वो मीडियम है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। तो ये उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन लाइट से, वाइट लाइट की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। खैर आप अपने कलर के अकॉर्डिंग अपनी फाउंडेशन को चूज़ कर लें, इसको तो मैं बाद में सेटअप कर लूँगी, बस आपको मैंने जो है ना इसकी कवरेज और इसकी कंसिस्टेंसी दिखानी थी। थोड़ी सी लिक्विड बेस कह सकते हैं इसको, बहुत कमाल की है। वैसे अगर आप लोग मेरी तरह जो है वो टीनेजर्स हैं और स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग है तो ईजीली आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं, अफोर्डेबल भी है, आसानी से आपको मिल भी जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग भी है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।